अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 2023 सेशन की हमारी जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। दो राउंड्स हमारी काउंसलिंग के कंप्लीट हुए, क्लासेज आप लोगों की लग रही हैं, अभी आपके एग्जाम्स भी जो है वो आने वाले जो है वो दिनों में हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मतलब ये नहीं कि 10 दिसंबर में हो जाएंगे, मतलब आपकी क्लासेज यहाँ पे लग चुकी हैं, फिर आपको एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो 2024 सेशन का स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे और उसके बाद जून या जुलाई में आप लोगों का एंट्रेंस होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस रेशनलाइज किया है और उसके साथ साथ वही सिलेबस नीट के लिए भी इंप्लीमेंट हुआ और वही सिलेबस जो है जेके बोस ने भी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया। अब जो स्टूडेंट 2024 में जो है वो अपीयर होने वाले हैं, जो अभी 12th में है, तो वो यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पुराना वाला सिलेबस पढ़ें या नई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सिलेबस के बारे में। तो देखिए आप सभी को पता है कि पाँच छः महीने पहले जो है वो एनसीईआरटी ने जो है वो एक नोट्स जारी करके बोला था कि हम काफ़ी चैप्टर्स, काफ़ी सिलेबस जो है वो 11th 12th का भी जो है रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद अदर क्लासेस का भी जो है वो रेशनलाइज, उनके अदर क्लासेस पे तो हम बात नहीं करेंगे, हम 11th और 12th की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि 11th 12th में काफ़ी सिलेबस हमने रेशनलाइज किया था और उसके साथ साथ उन्होंने रेशनलाइज जो सिलेबस था उसका बाजाबता पीडीएफ भी जारी किया था और नया सिलेबस जो था उसको भी यहाँ पे जारी किया था। तो जब रेशनलाइज सिलेबस हुआ था, मैंने आपको उसी दिन बोला था कि ये सिलेबस 2024 से जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर बोर्ड जेके बोस जो हमारा है वो इसके हवाले से एक ऑफिशियल मीटिंग करके एक नोट्स जारी करके स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि क्या वो जो एनसीईआरटी का सिलेबस नया है उसी को इंप्लीमेंट करेगा या अपना सिलेबस रिलीज करेगा सेम एज इट इज़। वैसे वो कुछ ही मंथ पहले जब वो जेके बोस ने भी एक ऑफिशियल नोट्स जारी करके कहा कि हम भी जो है वो जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस रिलीज किया है हम भी उसी नए सिलेबस को जो है वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करेंगे और जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स होंगे चाहे 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो उसको भी हम एज पर न्यू सिलेबस यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करेंगे 2024 सेशन के ऑनवर्ड्स। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब वही जो नया सिलेबस है वही आपने अभी नीट का भी रिसेंटली उसका भी जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जारी किया उसमें भी नया सिलेबस ही इंप्लीमेंट उन्होंने किया कि जो नया सिलेबस एनसीईआरटी ने रिलीज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर करेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम्स 12th के बेस पे होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो होता है वो पेपर आ जाता है। अब अगर हम जेके बोपी की बात करेंगे तो देखिए जेके बोपी का जो हमारा सिलेबस रहता है वो एज पर जो हमारा जेके बोस का सिलेबस रहता है, ठीक, उस साल का जो जेके बोस का सिलेबस है या जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही सेम एज इट इज हमारा जेके बोपी में भी इंप्लीमेंट होता है, वही 11th 12th का सिलेबस, वही मार्किंग का जो स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है यहाँ पे पेपर आ जाता है। अब जेके बोस ने तो क्लियर कर दिया कि हम भी जो है वो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसी को हम भी इंप्लीमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में और जो उन्होंने रेशनलाइज यूनिट किए हैं उसको भी हम स्किप करेंगे और नया जो सिलेबस उन्होंने रिलीज किया है उसी के अकॉर्डिंग अब बोर्ड के एग्जाम्स हमारे होंगे। दैट मीन्स कि वो आपकी क्लियर इंडिकेशन है कि जो 2024 का हमारा सीईटी जेके बोपी का होगा उसमें आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आ जाएंगे, क्योंकि 2024 का जो नीट है वो भी आप लोगों का जो है वो एज पर न्यू सिलेबस ही यहाँ पे आने वाला है। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि आपका जो सिलेबस होगा वो आपका न्यू सिलेबस ही यहाँ पे रहेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि जब आपके मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के, तो उस टाइम क्या होगा कि उस टाइम जो है वो जेके बोपी जो होगी वो आपका सिलेबस एक जारी करेगी, उसमें क्लियर मैंशनड होगा। लेकिन फिलहाल आप क्लियर समझ लो कि आप लोगों का जो पेपर आ जाएगा वो आपका एज पर न्यू सिलेबस ही आप लोगों का पेपर आ जाएगा। इसलिए फिलहाल अगर आप नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, हाँ अगर आपने पुराने यूनिट्स जो रेशनलाइज हुए उनको भी पढ़ा है तो उनको भी नज़र में रख लो, कोई इशू नहीं, क्योंकि जो मतलब जो आप पढ़ोगे वो तो ज़ाया होगा नहीं, वो आपको आगे चल के भी काम आ जाए। कोई उतना ज़्यादा तो यूनिट्स उन्होंने रेशनलाइज किए नहीं है, 10-10, 20-20 यूनिट पर सब्जेक्ट उतना तो नहीं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने यहाँ पे रेशनलाइज किया है, लेकिन थोड़ा थोड़े में भी बहुत सारा रेशनलाइज उन्होंने किया है। तो इसलिए आप लोगों का जो पेपर होगा वो एज पर न्यू सिलेबस ही आप लोगों का आ जाएगा, पेपर आपका न्यू सिलेबस का आ जाएगा और नया सिलेबस मार्क्स वाइज आपका आ जाएगा जब आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। और उससे पहले अगर आप चाहते हो कि आप पुराना सिलेबस ही पढ़ें तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लो, कोई इशू नहीं उसमें, उसको भी आप नज़र में रख सकते हो। बाकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर जो है यहाँ पे आने वाला है। तो ये था आपका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, बाकी अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो वो बता दी, मुझे लगता है अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट होगा, कोई फ्यूचर होगा मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा।